हाय एवरीवन दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर एजू एंड रेंडम क्लिप्स में दोस्तों काफ़ी स्टूडेंट जिसने एएमयू के किसी भी कोर्स में अप्लाई किया था यू या पीजी के उन्हें बेसब्री से इस चीज़ का इंतजार था कि एएमयू अपने टेस्ट शेड्यूल को कब अनाउंस करेगा कि यू या किसी भी कोर्स का कौन सा टेस्ट कब किस डेट में होने वाला है उस शेड्यूल को कब अनाउंस करेगा इस चीज़ का बेसब्री से हर स्टूडेंट्स को इंतजार था जिसने भी एम में अप्लाई किया है तो आपको बता दें उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है जिन स्टूडेंट्स ने भी ए एम में किसी भी कोर्स के लिए अप्लाई किया था फाइनली ए एम ने टेस्ट शेड्यूल को अनाउंस कर दिया गया है अब से कुछ दिन पहले पी के शेड्यूल को उसने अनाउंस किया था कि जिसमें इकतीस से लेकर अट्ठाईस अगस्त के बीच में एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे पीएचडी के लिए वहीं अब एएमयू ने यूजी एंड पीजी के सारे कोर्सेज के डेट को अनाउंस कर दिया है अब चाहे वो एलेवंथ क्लास का टेस्ट हो या फिर नाइन्थ का हर किसी कोर्स के डेट के शेड्यूल को उन्होंने अनाउंस कर दिया है अब आप आपको मैं दिखाता हूँ कैसे कैसे जो है हमें नोटिस डाउनलोड करना है ए की ऑफिशियल साइट पर आपने आपको जाना है जैसा कि आपको पता है ए एम कंट्रोलर या फिर आप वहीं देख सकते हैं कि ऊपर जो है ये ग्रीन में एक बार है इसमें जो है चल रहा है क्या बोलते हैं कि अभी जो नोटिस आया है उसका आप डाउनलोड कर सकते हैं दूसरा वरना आप जो है नोटिस सेक्शन में जाकर आप देख सकते हैं नोटिस एक्शन में आप देख सकते हैं नोटिस एंड अपडेट शेड्यूल फॉर एडमिशन टेस्ट कोर्सेज संधार इक्कीस टू बाईस इस पर क्लिक करना है यहाँ पर एक पेज ओपन होगा एक जो है पेज डाउनलोड होगा डाउनलोड होने के बाद आप चेक कर सकते किस किस कोर्स का कौन कौन से कोर्स का कब कब उसकी डेट अनाउंस की गई है कब कौन सा किस कितने घंटे का होगा कब है डेट उसकी टाइमिंग क्या है टेस्ट सेंटर वगैरह सिटी जो है आपका वो कहाँ पता लगेगा वो आपको एडमिट कार्ड में पता लगेगा आप देख सकते हैं कि बी एस का एग्ज़ाम जो है वो उन्नीस सप्तम्बर को है जी उन्नीस सप्तम्बर को जो दो घंटे का होता है पहले की तरह दो घंटे का पहला होता था दो घंटे का अब होता है और ये होगा दस एम पहले भी दस बजे होता था अब भी दस बजे है बस ये रहता है इसमें पहले जो है एक जो है, है इवनिंग में होता था और एक जो है मॉर्निंग में होता था तो अब इस बार जो है शायद स्टूडेंट्स एप्लीकेंट कम हैं इसलिए जो है उन्होंने सिर्फ एक ही शिफ्ट रखी है इस बार बी एस ऑनर्स की वो जो है उन्नीस से उन्नीस जो है सितंबर को होगा दो घंटे को दस एम को सुबह दस बजे होगा आप बी कॉम ऑनर्स की डेट देख सकते हैं वो भी उन्नीस को होगा और इसका टाइमिंग भी सेम है बी बी ऑनर्स भी सेम है और टाइमिंग इसका इवनिंग में है और बी आर्क का आप देख सकते हैं जो बीटैक का सेकेंड पेपर होता है उसकी है बीस सेप्टेम्बर को 20 सितंबर को जो नौ बजे होगा और तीन घंटे का पेपर है ये बी का ये तीन घंटे का ही रहता है बी टैक जो अपना एग्ज़ाम खुद कंडक्ट कराता है एम यू बी के लिए उसका भी हमारा 20 को है बी का 21 को है और सीनियर सेकेंडरी स्कूल ये जो है हमारा एलेवंथ क्लास का है एस एस में जो ट्वेल्थ क्लास को बोलते हैं एस एस सी बोल एस बोलते हैं और डिप्लोमा इंजीनियरिंग इनका एक ही कॉमन एग्ज़ाम होता है कि वो मेरिट जो है अलग अलग रहती है डिप्लोमा इंजीनियरिंग की अलग रहती है और जो है सीनियर सेकेंडरी स्कूल की अलग अलग रहती अलग रहती है तो दो घंटे का होता है इसमें भी टाइम में कोई चेंज नहीं है दस बजे होगा और यह है छब्बीस सितंबर को होगा अब ये होम ये पहला वाला किसका था साइंस स्टूडेंट के लिए दूसरा जो है होम ह्यूमैनिटीज एंड कॉमर्स स्टूडेंट के लिए है वो छब्बीस को होगा इनका भी सेम टाइम लेकिन सेम डेट लेकिन टाइम अलग है अब ब्रिज कोर्स होता है एक दीनी मदारस स्टूडेंट्स के लिए तो उनका जो है वो सत्ताईस सेप्टेम्बर को होगा और एम बी एम बी एम बहे होगी ये भी हमारा कब है ये सब सत्ताईस सितंबर को है बी एड वाले को सत्ताईस सितम्बर है आप देख सकते हैं ऑफिशियल नोटिस है ये ग्यारह किसका ग्यारह अगस्त का आज ही का नोटिस है ये तो थैंक यू स्टूडेंट्स होप उम्मीद करते हैं कि आप सही से तैयारी कर रहे होंगे सही से तैयारी कीजिए किसी भी तरह की अगर एम से रिलेटेड है किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से रिलेटेड अगर किसी भी तरह की कोई परेशानी है कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे डायरेक्ट मेल कर सकते हैं डायरेक्ट जो है कॉन्टैक्ट मैंने प्रोवाइड कर रखा है डिस्क्रिप्सन बॉक्स में और अपने जो है चैनल के अबाउट में मैंने प्रोवाइड कर रखा है आप जो है डायरेक्ट मुझसे कॉन्टैक्ट कर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं किसी भी टाइम अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ठीक है थैंक यू